नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। कांग्रेसियों ने फिर दिखाया अपना पाकिस्तान प्रेम, विधानसभा में लगा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, अब बीजेपी ने एक्शन लेते हुए कर दिया बड़ा खेल। हाल ही में देश के 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ। इन सभी सीटों पर 27 फरवरी को मतदान हुआ। यूपी में जहां बीजेपी ने बाजी मारी, तो वहीं कर्नाटक की 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया। राज्यसभा चुनाव में 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत के बाद ही कांग्रेसियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और एक नए बवाल को जन्म दिया। कांग्रेस उम्मीदवार नासिर हुसैन ने जीत का जश्न मनाते हुए विधानसभा में कुछ नारे लगाए, जिसकी वीडियो शेयर करते हुए ये दावा किया गया है कि ये नारे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे थे। इस पूरे विवाद के बीच बेंगलुरु पुलिस ने मामले में अज्ञातों के खिलाफ FIR दर्ज की और कहा कि वीडियो की जांच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस पूरे मामले पर शिकायत देते हुए कहा था कि विधानसभा में कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा चुनाव में नसीर हुसैन की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए गए। इसकी निंदा करने के बजाय नासिर हुसैन गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई झूठी खबर फैलाने की कोशिश कर रहा है, जो अधिक खतरनाक है। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती करती थी, जब वे सीधे तौर पर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। इसका जवाब देते हुए कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी प्रियांक खड़के ने इस पूरे नारेबाजी की घटना को सिरे से नकार दिया और कहा कि ये बहुत स्पष्ट है कि ऑडियो में नासिर हुसैन और सैयद साहब जिंदाबाद कहा जा रहा है, ये सिर्फ भाजपा की साजिश है और कुछ नहीं। पार्टी ने ऑडियो की फॉरेंसिक चेकिंग भी करवाई है, उसमें यही आया है कि ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस मंत्री प्रियांक खड़के ने क्या कुछ कहा, देखिए। टुडे आफ्टर द विक्ट्री ऑफ मिस्टर नासिर हुसैन इन राज्यसभा इलेक्शन फ्रॉम कांग्रेस पार्टी इन द विधानसभा इटसेल्फ व्हिच इज द मोस्ट सैक्रोसेंट बिल्डिंग ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ कर्नाटका वेयर प्रो पाकिस्तानी पाकिस्तान जिंदाबाद स्लोगन्स हैव बीन रेज्ड बाय द कांग्रेस पार्टी वर्कर्स इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग दिस Mr. Nasir Hussain is trying to mislead and saying that somebody is spreading a false news, which is more dangerous. Congress party, when it was in power, they used to hobnob with the Pakistan. Now they are directly supporting the Pakistan. So I strongly condemn this, and I ask Mr. Rahul Gandhi, what is his take on this? Ask Mr. Kharge, what is his take on this? Because Mr. Nasir Hussain is the shishya of Mr. Kharge. Let them clarify, let them condemn it. I also urge the Home Minister of the Karnataka to take note of this, serious note of this, and take a very serious and stringent action on this. Otherwise, BJP will definitely go for agitation throughout the Karnataka. BJP is desperate after their loss. They did not find anything. It's very clear in the audio that they say Nasir Hussain Zindabad, Syed Saab Zindabad. This is nothing but a desperate measure for the BJP to get back into the game. They will go to any extent to please their masters, the RSS and their high command, even at the cost of rupturing the social fabric of a state like Karnataka. The party has done an audio forensic check. And it is found there is nothing like that. The government's FSL report is expected by 11 o'clock. We'll issue a formal statement. But BJP, as usual, are up to their standard operating procedures when the elections are around the corner. BJP is alleging that the action need to be taken against the person who raised alleged slogans. We are saying there were no slogans raised. What happened in JNU? Was it proved? What happened? Where is the Tukde Tukde gang? What happened to the Tukde Tukde gang? Mr. Amit Shah has told on the floor of the house that there is no institution called Tukde Tukde gang. We don't know who their leader is. This is nothing but BJP's fragment of imagination that they are pushing whenever the election comes. How many times have they told that Pakistan, pro-Pakistan slogans have been issued? But not even a single one has been proved so far. So it means that Amit Shah is the most incompetent home minister. बता दें कि कर्नाटक की 4 राज्यसभा सीटों में से 3 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। इन 3 सीटों पर जीतने वाले नेताओं के नाम अजय माकन, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर है। इनकी जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जीत का माहौल था। इसी दौरान नासिर हुसैन को उठाकर नारेबाजी हुई।
बाद में इसकी वीडियो भाजपा नेताओं ने शेयर की और कहा कि विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये नारे नासिर हुसैन के लिए थे, पाकिस्तान समर्थन में नहीं। मोहम्मद जुबैर ने भी इस वीडियो को लेकर यही दावा किया है कि नासिर हुसैन के समर्थक नासिर साहब जिंदाबाद बोल रहे हैं, वो पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कह रहे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही इस मामले के बहस के बीच खबर आई थी कि बेंगलुरु पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। ऐसे दावों का वीडियो वायरल होने पर नासिर हुसैन भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज जब हमारे कार्यकर्ता, समर्थक और कुछ लोग तीन उम्मीदवारों की जीत का जश्न मना रहे थे, मैं उनके बीच में था और तब नासिर हुसैन जिंदाबाद के नारे लगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जैसे बहुत सारे नारे लगा रहे थे, लेकिन जब मैं जाने लगा तो मुझे मीडिया से फोन आया कि किसी ने पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए हैं। मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि जब मैं वहाँ लोगों के बीच में था तो वहाँ खूब नारे लग रहे थे, लेकिन मैंने वहाँ खुद से पाकिस्तान जिंदाबाद नाम का नारा नहीं सुना। लेकिन जो भी हुआ, पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। अगर किसी ने इस तरह का नारा लगाया है तो उसके साथ कानून के मुताबिक सख्ती से निपटना होगा। नासिर हुसैन ने आगे कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जांच होनी चाहिए और अगर किसी ने वीडियो से छेड़छाड़ करके शरारत की है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। नासिर हुसैन ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। टुडे एज सम ऑफ आवर वर्कर्स, सपोर्टर्स एंड सम पीपल वेयर सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री ऑफ थ्री कैंडिडेट्स, आई वॉज देयर इन द मिडस्ट ऑफ देम एंड देन लॉट्स ऑफ स्लोगन्स लाइक नासिर हुसैन जिंदाबाद, नासिर खान जिंदाबाद, नासिर साहब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद एंड ऑल वे बींग रेज्ड बाय सम ऑफ द वर्कर्स। देन ऑल ऑफ अ सडन व्हेन आई वाज लिविंग टू माय हाउस, देन आई गॉट कॉल फ्रॉम द मीडिया सेइंग दैट समबडी हैज रेज्ड स्लोगन्स ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद। आई वुड लाइक टू से हियर दैट व्हेन आई वाज in the midst of the people, there are lots of slogans that were being shouted there, but I never heard a slogan called Pakistan Zindabad there. But whatever it is, we already asked the police and let the police investigate it. If somebody has raised such a kind of a slogan, then he has to be dealt with sternly and strictly according to the law. There should be an inquiry. And in case if somebody has mocked the video, if somebody has doctored the video and played up mischief, even that has to be inquired. Or if somebody has given the slogan, who is he, from where did he come and how did he enter the premises there, and what was his intention and motive of shouting the slogan should also be seen. But as far as I am concerned, when I was there was no slogan that was shouted, this kind of a slogan shouted there. Because in case when we were there, if this slogan was raised, then I am sure no sane people, no Indian, no citizen of this country would have tolerated it. So let us wait for the inquiry and whatever comes out will be there in the public domain. Thank you. इतना ही नहीं, इसी दौरान कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बी के हरिप्रसाद ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बीजेपी के लिए दुश्मन राष्ट्र हो सकता है, लेकिन कांग्रेस इसे सिर्फ पड़ोसी देश के तौर पर देखता है। हरिप्रसाद ने कहा कि बीजेपी दुश्मन राष्ट्र के साथ हमारे संबंधों की बात करता है, उनके मुताबिक पाकिस्तान एक दुश्मन राष्ट्र है, लेकिन हमारे लिए पाकिस्तान कोई दुश्मन राष्ट्र नहीं, यह हमारा पड़ोसी देश है। बीजेपी कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन राष्ट्र है। इसको लेकर कर्नाटक बीजेपी ने भी कांग्रेस की आलोचना की। बीजेपी ने कहा कि पाकिस्तान ने चार बार भारत से युद्ध किया है। कर्नाटक बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से की गई पोस्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस का क्या रुख है और स्थिति है, वह बी के हरिप्रसाद के सदन में स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को बीजेपी के लिए दुश्मन और पाकिस्तान को कांग्रेस के लिए पड़ोसी बताकर यह स्पष्ट कर दिया है कि जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच घनिष्ठ संबंध वर्तमान पीढ़ी तक अभी भी जारी है। बता दें कि कर्नाटक का ये कोई पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया हो। हाल ही के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने 224 सीटों में 136 सीटों पर अपना झंडा बुलंद किया था, तो वहीं बीजेपी ने 65 सीटों पर जीत हासिल की थी। अगर मत प्रतिशतों की बात करें तो कांग्रेस को लगभग 43%, तो वहीं बीजेपी को 36% वोट प्राप्त हुए। इस प्रचंड जीत के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया
और नारेबाजी की। इस दौरान बेलगामी जिले में मतगणना केंद्र के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने विवादित नारे लगाए, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। यह वीडियो बेलगामी जिले के तिलकवाड़ी पुलिस थाने का था, जहां मतगणना केंद्र के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इस दौरान यहां उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद थे। बताया जा रहा था कि जब कांग्रेस की जीत शुरू हुई तो समर्थकों ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। बता दें कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में अक्सर ऐसी नारेबाजी देखने को मिलती रहती है। पाकिस्तान के समर्थन में या तो नारेबाजी की जाती है या उनके गुणगान गाए जाते हैं। उनके नेता इन सब चीज़ों को चुपचाप मूक दर्शन बनकर देखते रहते हैं। शायद इन्हीं हरकतों के चलते अब कांग्रेस विलुप्त होती नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।